असलम दोस्तों वजीर अज़म पाकिस्तान की सबका अहलिया रियाम खान के हवाले से हमेशा बहुत कुछ कहा जाता रहा है कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि रियाम खान बरतानिया की खुफिया एजेंसी की एक एजेंट थी तो कोई उस पर गद्दार होने का इल्जाम लगाता है तो क्या रियाम खान को लेकर जो कुछ भी कहा जाता रहा है क्या वो सब कुछ सच है अगर ऐसा है तो उसके सबूत क्या हैं और माजी में रियाम खान के बारे में कौन क्या कहता रहा है आज की वीडियो में आपको ये सब बातें तफसील से बताई जाएंगी कई सालों तक बरतानवी रेडियो और फिर टेलीविजन मीडिया से वाबस्ता रहने वाली रियाम खान बीबीसी की वेदर फोरकास्ट रिपोर्टिंग की वजह से जानी पहचानी जाती थी फिर वो ये सब छोड़कर पाकिस्तान आ गई रियाम खान ने पाकिस्तानी मीडिया को ज्वाइन किया और वो आज न्यूज पीटीवी न्यूज़ और न्यूज़ वन समेत कई चैनल्स में बतौर एंकर काम करती रहीं हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग रियाम खान को जर्नलिज़्म की वजह से पहचानते हैं लेकिन कम लोग जानते हैं कि रियाम खान एक सियासी बैकग्राउंड भी रखती हैं रियाम खान के चचा जस्टिस रिटायर अब्दुल हमीद खान जनरल हक के दौरे हुकूमत में सूबह सरद के गवर्नर रहे खैर 2013 के आम इंतबात में होने वाली धांधली के इशू पर इमरान खान ने जब इस्लामाबाद में धरना दिया तो इस दौरान रेहम खान और इमरान खान की कुर्बतें बढ़ी आपको याद होगा कि इस्लामाबाद धरने के मौके पर तकरीर करते हुए इमरान खान ने कई बार से अपनी शादी करने का इशारा दिया और फिर अक्टूबर 2015 में ये खबरें सामने आई रेहम खान और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रिश्ते अजतवाज में बंध गए हैं तब से रेहम खान को इंटरनेशनल फेम मिला उस वक्त पीटीआई के अरकान बहुत पुरजोश दिखाई देते और रेहम खान को भाभी भाभी कहकर पुकारते थे और आपको याद होगा कि तब रहाम खान ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और वो खैबर पख्तूखा के ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर जलसों से भी खिताब करती रहीं लेकिन कुछ अरसा बाद इमरान खान और रहाम खान के दरमियानबतें ख़त्म हो गई और एक खलीज हायल होती गई और यूँ कुछ दिनों में अलीदगी हो गई रियाम खान ने इमरान खान से तलाक लेने के बाद अपनी तोपों का रोख कप्तान की तरफ कर लिया तब वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज दिया करती और इमरान खान पर कीचड़ उछालना अपना अवलीन फर्ज समझती बाद में रियाम खान ने एक किताब भी तहरीर की जिसमें उन्होंने इमरान खान की जती जिंदगी पर कई घनाओने हमले किए और उन्हें बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की याद रहे कि रहाम खान पर उस वक्त ये इल्ज़ाम भी लगता रहा कि वो मुस्लिम लीग नून की क्यादत से बहुत करीब हो चुकी हैं शहबाज शरीफ अमीर मकाम मरियम नवाज और हनीफ अब्बासी समेत कई लीडरान के नाम सामने आए कि उनकी हिदायत पर रियाम खान ने किताब तहरीर की और इसके बदले उसने एक मोटी रकम भी वसूल की इमरान खान के साथ हमजा अली अब्बासी के मुताबिक रियाम खान ने मुस्लिम लीग नून से ये किताब लिखने के और एक लाख पाउंड की रकम वसूल की जो पाकिस्तानी तकरीबन दो करोड़ बनते हैं इस किताब में क्या कुछ तहरीर किया गया इससे पहले मैं आपको आई एस आई के सबक सरबरा जनरल हमीदाफ शेयर करता हूँ जो उन्होंने रेहम खान के बारे में किए थे और फिर मैं आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखूंगा कि जिन्हें देख कर आप पर रेहम खान की असलियत खुलेगी रोजना खबरें के बानी और सीनियर सहाफी शायद ये दावा कर चुके हैं कि जनरल हमीद गुल मरहूम ने उन्हें फोन करके कहा था कि इमरान खान से कहो रियाम खान से शादी ना करे तो मैंने जनरल को जवाब दिया कि सर इश्क नहीं छुपाया जा सकता और इस वक्त इमरान खान इसमें फंसा हुआ है लिहाजा बात करना फजूल है रियाम खान इमरान खान से शादी के छठे रोज मुझे बरतानिया से खबर मिली की उनकी शादी खत्म हो जाएगी रियाम खान छः दिनों में ही अपने शोहर की इतनी बुराइयाँ कर रही थी कि मैं हैरान हूं कि ये शादी कैसे चलेगी और फिर वही हुआ देखते ही देखते ये शादी खत्म हो गई हमीद गुल ने मुझे बताया था कि जब रिहम खान उनसे मिलने आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप फला शख्स फला इदारे को जानती हैं क्या ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा मेरे ख्याल में इमरान खान को टेप करने का मिशन आपको सौंपा गया है याद रहे कि जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबरा भी रहे वो दुनिया की हसास इंटेलिजेंस एजेंसीयों के बारे में काफ़ी मालूम रखते थे ज्या शायद के मुताबिक इमरान खान की पहली बेगम जमायमा बहुत अच्छी और बावकार ख़ातून हैं मैंने उनकी शादी पर बहुत मुबारकबाद भी दी थी और ये शादी ख़त्म होने पर जी तौर पर दुख हुआ था तलाक के बावजूद मुश्किल वक्त में भी जमा ने ना सिर्फ बच्चों की देखभाल की बल्कि इमरान खान की मनी ट्रेल अदालत में पेश करने में मदद भी की दूसरी शादी इमरान खान की वायद शादी है जिस पर मैं उसे मुबारक देने नहीं गया और ना ही मैं कभी रहाम खान से मिला हूँ तो दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी हसन निसार ने भी एक निजी टी वी चैनल में जनरल हमीद गुल के इनकशाफ का जिक्र किया था कि रिहान खान को इमरान खान की जिंदगी में प्लान किया गया था और रेहम खान का ताल्लुक बैरूनी खुफिया एजेंसियों से है और वो उनकी एजेंट के तौर पर काम कर रही है जब हमीद गुल ने ये सारी बातें रियाम खान के सामने दोहरा तो वह इंतहाई बुकलाहट में वहाँ से वापस चली गईं याद रहे कि रियाम खान की किताब के मौके पर हसन निसार टाक शो में हराम जदगी के अल्फाज को बिगाड़ कर रेहम जदगी कहा करते थे दो हजार सोलह में ईद अज़ा के मौके पर रयाम खान की प्रोड्यूस की गई फिल्म जानान रिलीज हुई थी इस फिल्म में मरकजी किरदार मीना खान और बिलाल अशर ने निभाया। फिल्म जानान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुतदा अरब अमारात अमेरिका बरतानिया कनाडा ऑस्ट्रेलिया मलेशिया और दीगर कई सैना घरों में रिलीज की गई और इस फिल्म में दुनिया भर से तकरीबन तीन सौ मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी पचास करोड़ रुपए कमाए लेकिन हकीकत में यह फिल्म हिंदुस्तानी एजेंडे को प्रमोट करती है और किसी ने सोचा तक नहीं कि ये फिल्म कैसे हिंदुस्तानी एजेंडे को प्रमोट करती रही मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा ये मौकफ रहा है कि कश्मीर के अलावा बल्तिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है खास तौर पर मोदी जैसे लीडर के बरसरे इकतदार आने के बाद इसमें और ज्यादा शिद्दत आ चुकी है तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बैठे कुछ नाम नहाद लिबरल और मोमबत्ती माफिया भी दुश्मन की जबान बोलते हैं और उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है अब आप जानान फिल्म के एक सीन का स्क्रीन शॉट देखें यह खैबर पख्तूखा के एक स्कूल का मंजर है और स्कूल भी इस शख्स का है जो फिल्म में एक मुहब वतन और सच्चा पाकिस्तानी दिखाया गया है अब आप स्कूल की दीवार पर बनाए गए पाकिस्तानी नक्शे को मुलायजा फरमाएं और मुझे बताएं कि इस नक्शे में कश्मीर कहाँ है मकबूजा जम्मू कश्मीर तो दूर यहाँ आज़ाद कश्मीर भी नहीं नजर आ रहा इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है ये तो दुश्मन भारत का ही एजेंडा है कौन सा पाकिस्तानी स्कूल है जहाँ नक्शे में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा ना दिखाया गया हो ये तो सिर्फ एक मिसाल है ऐसी बेशुमार चीज़ें आपको और भी मिल जाएंगी रयाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान पर क्या कुछ लिखा था इसे जानने के लिए सिर्फ हमजा अब्बासी का ट्वीट ही काफ़ी है हमजा अली अब्बासी के मुताबिक रयाम खान की किताब का खुलासा यह है कि इमरान खान इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जबकि रयाम खान तजत गुजार खातून है और शहबाज शरीफ दुनिया के सबसे अच्छे शख्स हैं रियाम खान ने अपनी किताब में सिर्फ इमरान खान पर ही नहीं बल्कि अपने पहले शोर पर भी भोंडे इल्जाम लगाए हैं वो अपनी किताब में लिखती हैं कि इमरान खान आइन के आर्टिकल नंबर बासठ पर पूरे नहीं उतरते इमरान खान ने उसके साथ निकाह को छुपा कर दो तो माह तक छूट बोला जो निगरान वजीर आला का नाम नहीं ले सका वो मुल्क क्या चलाएगा रियाम खान ने मजीद ये लिखा कि इमरान खान दुनिया के बदतरीन वालिद और बदतरीन बेटे हैं बचपन में एक बार इमरान खान ने कहा था कि मैं बड़ा होकर अपने वालिद को कत्ल करूंगा वो लिखती हैं कि इमरान खान का तर्ज ज़िंदगी मेरे समाजी दायरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था ये एक अजीब जिंदगी थी जो कि जिन्स मंशियात और रॉक एंड रोल के गर्द घूमती थी इमरान खान नशा करते तो उनके पास बैठ जाती और मनशियात के नुकसान के मुतालिक आर्टिकल दिखाती और उन्हें समझाती कि उनकी कमजोरी के पीछे मनशियात का इस्तेमाल है रहाम खान की किताब में इंकशाफ किया गया कि इमरान खान की जेब से कोकीन के पैकेट बरामद किए गए यही नहीं बल्कि रेहम खान ने इमरान खान की जेब से बरामद होने वाली कोकीन की तस्वीर भी अपनी किताब में शाया करवाई रहाम खान ने अपनी किताब में दावा किया कि, कि उन्होंने एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा इमरान खान से कोकीन बरामद की थी अपनी किताब में रहाम खान ने इमरान खान पर अकरबा परवरी और जिनसी हरासकी का भी इल्जाम इल्ज़ामायद किया इमरान खान ने एक मरतबा मुझे बताया कि मैं दरअसल जमाया खान की बड़ी बहन को पसंद करता था जो उसकी सोतीली बहन थी मेरी उनके वालिद के साथ भी दोस्ती थी इमरान खान से शादी के बाद के वाक़ के हवाले से किताब में लिखा है कि ईद के दिन बनी गाला में इमरान खान के साथ बनाई गई तस्वीर के नीचे लिखा कि मेरे बेटे ने इमरान खान के गले में बाजू डालना चाह लेकिन इमरान खान पीछे हट गया रियाम खान ने अपनी किताब के सफा 220 पर लिखा है कि जब इमरान खान ने मुझे शादी की ऑफर की तो उन्होंने कहा कि वो 2013 के आम इंतबात के नतज की वजह से बहुत ज्यादा जहनी तनाव का शिकार थे चुनाचा इस दौरान उनसे बहुत सी गलतियाँ सरजद हुईं वो लिखती हैं कि इस दौरान एक लड़की इमरान खान से ताल्लुक़ की वजह से हामला हो गई ये नौजवान लड़की पाकिस्तान के इंतहाई बासर सन्नतकार की दूर की रिश्तेदार थी जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ाम लगाते हुए तयाम खान ने लिखा कि उन्होंने लंदन में इस लड़की का उपार्शन करवाया था तयाम खान लिखती हैं कि एक बार हम इमरान खान की नाजायज बेटी टेरियान के बारे में बात कर रहे थे तो इमरान खान ने बताया कि वो अपने दोनों बेटों से ज़्यादा टेरान से बात करता है इसने मुझे टेरान के टेक्स्ट मैसेज भी दिखाए हमारी शादी के चंद हफ्ते बाद ही हमारे दरमियान टेरान के मुतालिक गुफगू शुरू हो गई थी एक दिन इसी पर बात हो रही थी कि इस दौरान इमरान खान ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि टेरान अकेली नहीं है ऐसी पाँच हैं मैंने हैरत से पूछा कि क्या पाँच तो उसने कहका लगाते हुए कहा कि पांच बच्चे याद रहे कि रियाम खान ने दुश्मन भारत के एक अखबार में अपने आर्टिकल में लिखा कि इमरान खान मुतासिब किस्म के मजाक करने के आदी हैं जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं वो ऐसे नहीं हैं बल्कि वो अंदर से शदीद तब का शिकार हैं किताब के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को उनके आबाई शहर मुल्तान के अक्सर पी टी आई अरकान और मकामी रिहायशी बेकार समझते हैं लेकिन वो खातिन में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं दूसरी जानब जहांगीर तरीन भी ज्यादा असर रखते थे हर एक जानता है कि इमरान खान उनके लिए हर एक असूल तोड़ सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबा दें शुक्रिया